नमस्कार, मैं हूँ विशाल पांडे और इस वक्त मैं लक्षद्वीप में समंदर के बीचों बीच हूँ। एक तरफ पिछले कई दिनों से मैंने यात्रा शुरू की है, कोची से निकला था, कवारत्ती पहुंचा, कवारत्ती के बाद मैंने शिप के माध्यम से अगत्ती तक की यात्रा की, फिर अगत्ती से मैं नाव से बंगाराम की तरफ आया और अब बंगाराम से एक इस नाव से ही वापस जा रहा हूँ अगत्ती की तरफ। और इस वक्त समंदर के बीचों बीच मैं हूँ, मेरे कैमरामैन हैं और दो नाविक हैं। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये समंदर का पानी इतना साफ है, इतना वो दिख रहा है कि मुझे जो इसका लगून एरिया था वहाँ पर काफी दूर तक मुझे नीचे कोरल्स यहाँ पर दिखाई पड़ी, कुछ मछलियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। और इसके साथ क्योंकि यह यात्रा मेरे लिए काफी रोमांचक है, क्यों अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और रोमांचक इसलिए है ये यात्रा क्योंकि लगभग 1.5 से 2 घंटे तक एक खुली नाव में आपको समंदर में ही आपका समय बीतेगा। और दूर दूर तक कुछ नहीं, फोन में मेरे नेटवर्क नहीं है क्योंकि मेरा वोडाफोन का सिम है, यहाँ पर एयरटेल और BSNL भी चलता है। लेकिन आप देखिए कि धीरे धीरे हम अगत्ती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये पूरा समंदर है। आपके मन में कई सारे सवाल हैं लक्षद्वीप को लेकर, उन सवालों का जवाब मैं आपको इस छोटे से वीडियो में देता हूँ। लक्षद्वीप पहुंचे कैसे, सबसे पहला सवाल ये। तो मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि आप लक्षद्वीप आने से पहले यहाँ का परमिट अप्लाई करें, क्योंकि एक एंट्री परमिट होता है जो आप लक्षद्वीप की वेबसाइट पर आकर यहाँ अप्लाई कर सकते हो। 2 दिन के अंदर आपका परमिट यहाँ पर दे दिया जाता है। परमिट के बाद अब आप सोचेंगे आए कैसे, तो आपको इसके लिए कोची ही आना पड़ेगा। कोची लक्षद्वीप का गेटवे कहलाता है। आप देश के किसी भी कोने से आइए लेकिन फिलहाल आपको कोची से होकर ही लक्षद्वीप जाना पड़ेगा, क्योंकि कोची से यहाँ पर जो फ्लाइट है वो रोज सुबह 8:55 पे चलती है, एक ही फ्लाइट है। या आप कोची से शिप के माध्यम से आ सकते हैं, उसमें 14 से 18 घंटे का समय लगेगा, लेकिन वो यात्रा भी काफी सुखद होती है अगर आप समुद्री यात्रा करना चाहते हैं। कई बार कुछ चॉपर भी आपको मिल जाते हैं जो कोची से कवारत्ती के लिए आते हैं, जो मुख्यालय है लक्षद्वीप का। तो ये 3 प्रमुख साधन हैं और एक बार आप लक्षद्वीप आ जाएंगे तो आपको कुछ इस नाव से अलग अलग शिप के माध्यम से आपको एक द्वीप से दूसरे द्वीप की यात्रा करनी होगी, क्योंकि कवारत्ती, बंगाराम, अगत्ती, सुहेली, मिनी क्वाय, कुछ ऐसे ये द्वीप हैं जो काफी खूबसूरत है लक्षद्वीप के। इन द्वीपों को आपको घूमना चाहिए और जब आप यहाँ पर आएंगे तो प्रकृति की सुंदरता देखकर आपको काफी अच्छा लगेगा। नीला समंदर, सफेद बीच, कहीं कहीं थोड़ा सा जो गोल्डन कलर होता है रेत का वो दिखाई पड़ता है, नारियल के पेड़। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत साफ सुथरा है लक्षद्वीप। यहाँ पर साफ सफाई इस कदर है कि कहीं आपको गंदगी नहीं मिलेगी। और लक्षद्वीप जब आप घूमेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर आना एक बार अनिवार्य है। और यहाँ पर जब आप आएंगे काफी शांति मिलेगी, काफी सुकून मिलेगा आपको, आप काफी वक्त यहाँ पर अपने परिवार दोस्तों के साथ बिता सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए हमारी नाव धीरे धीरे अगत्ती की तरफ बढ़ रही है और इस समंदर में मैं और मेरे कैमरामैन हैं। अपने आप में मेरे लिए भी एक बहुत ये अलग अनुभव है कि 2 से 3 घंटे तक एक छोटी सी नाव में अगर हम समंदर के बीचों बीच रहें। तो इसी पर हमारा कुछ हमें थोड़ा बहुत नाश्ता भी हमने पैक कराया है, हमारा सामान भी पीछे रखा हुआ है इस नाव में। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उस तरफ एक बार दिखाएं। आप देखिए ये नाव छोटी सी है लेकिन हमें बहुत संभल कर आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए नाव में एक जगह पर ये हम लोग का सामान रखा हुआ है, बैग जो मिलकर हम आए हुए हैं और इसके अलावा हमारा कैमरा बाइक नाश्ता पैक करा लिया है। तो कुछ इस तरह की यात्रा होती है लक्षद्वीप। आइए घूमिए, आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि मैं खुद इस चीज को फील कर पा रहा हूँ कि चुनौतियाँ क्या होती हैं और कैसे इन चुनौतियों में अवसर आपको बनाना है, ये आपको लक्षद्वीप बहुत अच्छे से सिखा दें। फिलहाल बने रहिए इस वीडियो के साथ, मेरे साथ और मेरे कैमरामैन के साथ। हम आप तक लक्षद्वीप की हर खबर पहुंचे।
जी न्यूज़।